हेलो गाइस, वुमेन प्लैनेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी माइक्रोवेव के बारे में। जी हाँ, वही माइक्रोवेव जो हम सबको बहुत पसंद होता है। हम सब इसे किचन में रखना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है हमें किचन में, स्पेशली खाना गर्म करने के मामले में दोस्तों। लेकिन हम सभी का माइक्रोवेव अक्सर बंद पड़ा रहता है, वो भी इसलिए कि हम इसी दुविधा में रहते हैं कि क्या हम स्टील के बर्तन माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह ही सोचते हैं? क्या आपका भी माइक्रोवेव बंद पड़ा है इसलिए कि आप उसमें स्टील के बर्तन यूज नहीं कर सकते? मैं आज आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाली हूँ कि क्या स्टील के बर्तन माइक्रोवेव में यूज करना सेफ है या फिर अनसेफ। अभी तक हमें यही पता था कि हमें माइक्रोवेव में यूज करने के लिए माइक्रोवेव टेस्टेड प्लास्टिक और ग्लास के बर्तन ही होने चाहिए, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, नुकसान नहीं करते हैं हेल्थ को। अगर हम नॉर्मल प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म करते हैं तो प्लास्टिक पिघल जाती है, उससे एक बैड केमिकल रिलीज होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। और नॉर्मल कांच के बर्तन यूज करते हैं तो वो टूट जाती है, इसलिए उसके लिए हीट रेजिस्टेंट बर्तन ही आते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि स्टील के बर्तन हम किस तरह से यूज करें कि वो सेफ हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये क्लिप दिखाई है आपको जिसमें मैंने ग्लास में पानी गर्म किया है। इसकी टाइमिंग मैंने हाफ मिनट ली है, तो हम देखेंगे कि कितना इफेक्टिवली इसमें पानी गर्म होता है हाफ मिनट में। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं बिना स्पार्क किए स्टील के बर्तन में पानी गर्म हो गया, बहुत हल्का गर्म हुआ है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ कि माइक्रोवेव की रेज होती हैं वो मेटल को स्टील को भेद नहीं सकती हैं, और पानी जो हमारा गर्म हुआ वो ओपन एरिया जो है वहीं से पानी गर्म हुआ। इसलिए आप जब भी स्टील का बर्तन यूज करें तो वैसा बर्तन लें जिसमें ओपन एरिया ज़्यादा है। इस क्लिप में मैंने छोटी कटोरी में पानी गर्म किया है, इसकी टाइमिंग भी मैंने हाफ मिनट ही ली है। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। इस कटोरी का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि इसमें ओपन एरिया ग्लास की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए सेम टाइमिंग में ही इसमें पानी ज़्यादा गर्म हुआ। आप देख सकते हैं रिजल्ट, इसमें पानी ज़्यादा गर्म हुआ है ग्लास की तुलना में। नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़े बड़े कटोरी में पानी गर्म करना। इस कटोरी का पानी सेम टाइम में और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा क्योंकि इस कटोरी का ओपन एरिया ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टील का बर्तन यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसा बर्तन यूज करें जिसका ओपन एरिया ज़्यादा हो, आपका खाना कम समय में जल्दी गर्म होगा। रिजल्ट आप खुद ही देख लें, कटोरी भी जल्दी गर्म हुई है और पानी भी ज़्यादा गर्म है। आइए अब ये देखते हैं कि स्टील का बर्तन हम किस तरीके से यूज करें कि वो सेफ हो, या फिर वो कौन से तरीके हैं जो अनसेफ है। इस तरह से आप प्लास्टिक के स्टैंड पर स्टील के बर्तन रखकर खाना गर्म कर सकते हैं, ये सेफ है। या फिर आप ग्लास की जो प्लेट है माइक्रोवेव में उसके ऊपर डायरेक्ट स्टील का बर्तन रख करके अपना खाना गर्म कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेफ है। आइए अब ये देखते हैं कि क्या क्या अनसेफ है, हमें किस तरीके से स्टील यूज नहीं करना है। दोस्तों, इस इमेज को बहुत ध्यान से देखें, दो स्टील बॉडी टच नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने स्टैंड के ऊपर स्टील का बर्तन रखा है, ये अनसेफ है। इस तरह से आपको कभी नहीं करना है, दो स्टील बॉडी कभी टच ना हो, नहीं तो स्पार्क हो सकता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्टील का बर्तन को आप कभी भी दूसरे स्टील के बर्तन से ना ढकें, इस तरह से आप गर्म नहीं करें। सेफ और अनसेफ मेथड्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, तो इंजॉय करें अपने अगले वीडियो में भी। मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ खास, तब तक आप इस वीडियो को इंजॉय करें। और उम्मीद करती हूँ अब आपका माइक्रोवेव बंद नहीं पड़ा रहेगा, स्पेशली इसलिए कि आप स्टील के बर्तन उसमें यूज नहीं कर सकते। बाय बाय, चीयर अप।